Hello everyone, welcome back to my channel. If you want to lose your weight, you must eat your favorite foods. और आपके favorite food क्या हैं? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है. क्योंकि junk और fried तब तक हमारे favorite होते हैं, जब तक हम aware नहीं होते. And I'm sure, एक बार आप aware हो गए, then this goal will be very easy for you. Don't lose your weight for others or for a particular dress, but lose your weight for a healthy life. कुछ कमेंट्स थे कि विंटर वेट लॉस डाइट प्लान के बारे में बताएं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने कभी खुद कोई डाइट प्लान फॉलो ही नहीं किया. क्योंकि कोई भी डाइट प्लान एक टाइम तक तो वेट लॉस में हेल्प करता है, बट जैसे ही हम अपनी रूटीन लाइफ में वापस आते हैं तो डबल स्पीड से बढ़ जाता है. इसीलिए वेट लूज करने के लिए सबसे पहले मैंने फूड की नॉलेज ली एंड आई चेंज्ड माय लाइफस्टाइल. हर मील की कैलोरीज काउंट नहीं करती हूँ मैं, बस अकॉर्डिंग टू माय एक्टिविटी अपने मील्स कंज्यूम करती हूँ. ज़्यादा काम पे ज़्यादा और कम काम करने पर कम खाना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड कैसा होना चाहिए, इट्स अबाउट लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं दिन भर मैं क्या खाती हूँ और कैसे. फर्स्ट थिंग शुड बी फर्स्ट, फॉर क्लिनजिंग माई बॉडी आई टेक लेमन विद वार्म वाटर एवरीडे. लेमन वाटर आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाता है कि आपको सर्दी जुकाम भी कभी नहीं होता. इसीलिए विंटर्स हो या समर, मैं एवरी मॉर्निंग सबसे पहले लेमन वाटर लेना पसंद करती हूँ. वेट लॉस में लेमन ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम उसे जीरा वाटर के साथ लेते हैं. तो जीरा वाटर बनाने के लिए 1.5 से 2 लीटर पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के उसको बॉयल कर लेना है. बस बॉयल करके उसको बंद कर देना है और ठंडा करके इसी पानी में सुबह नींबू डाल के आपको पीना है. माई एवरी टाइम फेवरेट फर्स्ट मील इज बनाना. बनानाज आर हाई इन फाइबर एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी. कुछ लोगों का कहना है कि बनाना खाने से वेट बढ़ता है, ये सब मिथ है. बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप वेट लूज करना चाहते हैं तो ईट बनाना डेली. मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ. आप चाय पीना चाहते हैं तो फ्रूट खाने के 15 मिनट बाद पी सकते हैं विद वेरी लेस शुगर. आई ईट माई ब्रेकफास्ट इमीजिएटली आफ्टर माई वर्कआउट. मोस्टली मेरे ब्रेकफास्ट में एग्स होते हैं. आज मैं ले रही हूँ 2 whole eggs, ग्रीन स्मूदी एंड 6 to 7 आलमंड. रोटी परांठा मैं ब्रेकफास्ट में अवॉइड ही करती हूँ. रोटी खाने के लिए लंच और डिनर है. वी शुड ट्राई डिफरेंट हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज फॉर आर ब्रेकफास्ट. मेरे चैनल पर जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज मिल जाएंगी. ग्रीन स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जार में डाले हैं कुछ पालक के पत्ते, कुछ पीसेस एप्पल के और साथ ही कुछ पीसेस कुकम्बर के डालूंगी मैं. आप अपनी मनपसंद का फ्रूट डाल सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल है. 1 चम्मच डाला है फ्लैक्सीड यानी कि अलसी. प्रोटीन पाउडर कर्ड डाला है 2 चम्मच और साथ ही डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और बस इसे ग्राइंड कर देंगे और आप इसे ले सकते हैं. अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्वीटनर के लिए हनी डाल सकते हैं. जो लोग एग्स नहीं खाते हैं वो 2 बेसन का चीला ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में. बेसन का चीला भी हाई इन प्रोटीन होता है. आपको एक बात याद रखनी है कि वेट लॉस में आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है और कार्ब्स का कम से कम. तो बेसन का चीला बनाने के लिए बेसन में मैंने ऐड की है कटी हुई शिमला मिर्च, टोमेटोज, ग्रेटेड कैरेट, ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप खाते हैं तो आमचूर पाउडर, सॉल्ट और पानी डाल के इसका एक थिक घोल बना लेंगे और नॉनस्टिक तवा पर बेसन के चीला बना लेंगे. बॉयल एग के अलावा कई बार मैं एग ऑमलेट बनाती हूँ विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स और साथ ही मैंने थोड़ी सब्जी ली हुई है, घिया तोरी की सब्जी और साथ ही कुछ आलमंड्स. तो इस तरह का ही हेल्दी ब्रेकफास्ट मैं हमेशा करना पसंद करती हूँ. वी आर नॉट लिविंग इन अ परफेक्ट वर्ल्ड. आज के टाइम में खाने में हमें प्योर चीज़ें नहीं मिलती हैं और कितना भी हेल्दी खाने की कोशिश करें सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं. दैट्स व्हाई आई टेक 1 टैबलेट ऑफ मल्टीविटामिन डेली आफ्टर माई ब्रेकफास्ट एंड 1 टैबलेट ऑफ कैल्शियम आफ्टर माई डिनर.